कोर्स ये एक तमिल फिल्म है और इट्स अ हॉरर थ्रिलर और नागमणी की स्टोरी इज अपरेंटली मलिका शरत शीज प्लेइंग अ डबल रोल एंड सो उनके साथ भी जो है उनके पति देव और मैं जो उनका रोल प्ले कर रहा हूँ उनका प्रोटेक्टर लाइक हाउ यू हैव कटप्पा एंड बाहुबली टाइप्स तो इन सब के भी डबल रोल्स हैं लाइक यू नो वन इज अ पीरियड देयर आर टू पीरियड ड्रामा सो वी स्टिक टू इट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और डायरेक्टर वडुविडन जो है और ये मेरी पहली तमिल फिल्म है तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ओके अगर इस फिल्म की अगर बात करें तो किस तरीके से फिल्म की शुरुआत हुई किस तरीके से सारे एक्टर्स को आप ऑन बोर्ड लेकर आए वो तो एक्चुअली आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पूछना पड़ेगा कि किस तरह से सारे एक्टर्स को ऑन बोर्ड लेके आए लेकिन आई थिंक देयर आर क्वाइट अ फ्यू एक्टर्स जो मुंबई से मैं मुंबई से हूँ मल्लिका शरावत फ्रॉम मुंबई सो एंड ये काफ़ी इंडी स्टूडियो so it's going to be quite interesting और ये शायद पहली तमिल फिल्म होगी जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स मुंबई से it's going to be interesting ओके आप किस तरीके के अभिनय करते नज़र आएंगे इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने पहले ही कहा था कि यू नो इस माई कैरेक्टर इज समवेयर लाइक द कटप्पा बाहुबली जो उनके द क्वीन नागमणी जो नागमती जो क्वीन मल्लिका शरावत प्ले कर रही है तो उनका प्रोटेक्टर का रोल का प्ले कर रहा हूँ सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इट्स गोइंग टू बी गुड फन जब ये मूवी का ऑफर आया तो क्या कुछ फर्स्ट रिएक्शन था फर्स्ट रिएक्शन था कि ये तमिल फिल्म है तो तेलुगु फिल्म्स का कर चुका हूँ हिंदी फिल्म्स कर चुका हूँ सीरियल्स तो बहुत सारे किए पिछले 20 ईयर्स से हिंदी के लेकिन तमिल लैंग्वेज थोड़ा बैरियर होगा तो उसमें थोड़ा इट वॉज अ चैलेंज लेकिन माई वाइफ रिया शी स्टडीड इन पांडिचेरी तो उनको तमिल आती है तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आई कैन पुल इट ऑफ सो इट दैट्स द ओनली हिच आई गॉट और क्या कुछ चैलेंजिंग होने वाली है इस फिल्म में आपको आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज आई थिंक द एक्शन सीक्वेंस इज ऑल्सो बिकॉज इनका कॉस्ट्यूम भी इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड द गैजेट्स व्हिच वी हैव व्हिच माय कैरेक्टर हैज सो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सो यू नो गेटिंग ऑन बोर्ड एंड डायरेक्टली स्टार्टिंग शूटिंग एंड दैट इन तमिल विद डायरेक्टर इज गोइंग टू बी फन एज वेल एज चैलेंजिंग जिस तरह से आपने मल्लिका शरावत के साथ ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग बताई ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से आप दोनों मिले या फिर वी हैव स्टिल नॉट मेट एट ऑल आई एम गोना मीट हर टुडे सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड उनकी काफ़ी बहुत सारी फिल्में देख चुका हूँ एंड इट्स गुड टू सी हर बैक अगेन एंड इट्स गुड बी फैंटास्टिक वर्किंग ओके अगर इसकी अगर बात करें जिस तरीके से आज तो मुहूर्त शॉट है आज तो फिल्म की शुरुआत होने वाली है कब तक ये फिल्म तैयार हो जाएगी एंड कब तक दर्शकों तक पहुँच जाएगी होपफुली दैट अगेन इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर बट आई थिंक इट्स अ क्वाइट एक्सटेंसिव शेड्यूल है मुंबई में 28 या 30 दिन का है और उसके बाद चेन्नई में भी एक शेड्यूल है 10-15 दिन का आई थिंक दैट शुड बी रेडी बाय इन अबाउट 4-5 मंथ्स इफ एवरीथिंग गोज वेल नागमती में ऐसा क्या कुछ आप यूएसपी पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि ऑडियंस को ये पसंद आएगी इसमें सबसे It's going to have a lot of VFX and it's going to be a thrilling horror film. So I don't want to divulge too many things about this film from the you know interesting aspects but I'm sure that like, you know the VFX are going to stand out amazingly. And lastly kya kuch audience or viewers ko message dena chahenge Nagmati movie ko? जस्ट ये फिल्म आई थिंक 5 लैंग्वेजेस में दिखाई जाएगी ऑल साउथ लैंग्वेजेस तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और ये पहली फिल्म है जो मैं आई मीन ऑफ कोर्स तमिल तो मैं डायलॉग्स बोलूँगा ही लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टार कास्ट इज फ्रॉम मुंबई तो लेट्स सी हाउ इट गोज इट्स गोइंग बी फैंटास्टिक थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एंड आज पोस्टर लॉन्च भी है जिस तरीके से देख पा रहे हैं ब्रदर वेरी लॉन्ग कैलवी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन बेटा ओनली एंट्री इन इंग्लिश की फिगर्स ना ओके हिंदी ओनली एंट्री यू आर वेरी सो प्लीज टेल अस अबाउट द पोस्टर एंड द अवार्ड द फिल्म
this movie very different, powerful story. The historical and horror and thriller mixed the film. Very interesting play. Mallika first time dual role. Very different. Mallika career is totally next stone, milestone. All media and press welcome. This movie, my first Hindi movie, state. Other movies, Tamil and other language. Already I direction. This movie is very, very big budget and war and action sequence and different total character is very, very different. Yeah, my script story telling way is different. First time Hindi new play. Okay. Definitely, audience watch the movie. Definitely enjoy. Sir, thank why you. Mallika? Why did Mallika? You choose Mallika Sharawat? Mallika choose. Mallika is very glamour artist. First time total Mallika career total change. I choose that. As a warrior, friends. Warrior, first time warrior. Feel. And tell us about Nagmati. Nagmati is a historical Tamil based Rani. Yeah. Rani's queen. Queen. And how did you finalize the actors? Very lot of artists. Totally Indian movies, language artist, Telugu and Tamil. Tamil Jeevan is very big character in this movie. What do you think, what is the USP point of this movie? What do you think, what is the USP point in this movie? Special is a total story is different, very, very different. Mallika, first time this character is a new play. Okay, lastly, what would you like to say? Other matter, Mallika is coming. Okay? Thank you. मुझे बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज ये एक्शन है जैकी चैन के साथ एक्शन किया था और अब फिर कमल हसन जी के साथ 10 अवतार में एक्शन किया था और अभी नागमती में मैं एक्शन कर रही हूँ और बड़ी गुड़िया डायरेक्टर जी के निर्देशक में ये फिल्म बनेगी पली निवेल जी इसके प्रोड्यूसर हैं कोविड से अभी कोविड के बाद अभी बहुत सी सीरीज बनने लगी है तो ये फिल्म शूट करने का मौका मिल रहा है ये भी इस बात को लेके बहुत बहुत खुश ओके नागमती की अगर बात करें किस तरीके के कैरेक्टर में आप नजर आने वाले हैं जिस तरीके से पोस्टर में देख रहे हैं आप तलवार के सामने घोड़े पे बैठी नजर आ रही है जी फिल्म में किस तरीके के किरदार निभाती नजर आ रही है वॉरियर क्वीन डबल रोल है एक वॉरियर क्वीन का है और एक मदर What is it about the script that really excited you? The fact that you have a double role or that this was a period horror thriller? I think, very good question, but everything put together, you know, actors don't get an opportunity to do period films, period roles, very rare. An action thriller is a great genre. Please put your phones on silent. What is the kind of preparation that you will be doing for this film in terms of a workshop? A lot of action. You need to be really fit. You need to lot of bending, sword fighting, horse riding. So I will not be riding a fake horse. Hopefully, I'll be riding a real horse, having trying with a real sword to fight. And what was your reaction? You have to tell about this story. You have to tell about Nagpati. You have to tell about the warrior character. So what references did you take and what was your first reaction? मैंने तमिल में फिल्म की थी कमल हसन जी के साथ उसके बाद मैंने तमिल में कोई फिल्म नहीं की तो जब ये फिल्म का ऑफर आया और एक वॉरियर क्वीन का ऑफर आया इट्स अ पोर्ट्रेयल ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर विच इज़ ऑलवेज गुड टू पोर्ट्रे अ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर स्पेशली इन दीज टाइम्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन पावर
So, क्या कुछ challenges आप face करने वाली हैं या फिर किया है आपने इस film के साथ? I think action, doing action sequence, wearing all the heavy jewelry, the heavy sarees, and on top of it with fighting, horse riding action sequence, that is a big challenge for an actor to Yes. When you're working with this new director, who's already an established name in the horror genre, yes. When he narrated the script to you, what was your first reaction? What made you repose confidence in it? Because this film was full of surprises. When he narrated the script to me, there was always a surprise element, and which I really like. It was not at all predictable. Usually horror genre becomes very predictable, but not in this. Very unpredictable. अभी तो कुछ शूट नहीं किया है सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द को स्टार्स को एक्टर्स लेट्स सी मल्लिका जी आप लिमिटेड फिल्में करते हैं बहुत कम फिल्में करते हैं क्या रीजन है कि गिनी चुनी फिल्में करते हैं उसके बारे में क्या कहना अच्छा है ना देयर इज पावर इन सेइंग नो एंड इट्स गुड टू डू सिलेक्टेड रोल्स बहुत पैसा कमा लिया अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सिलेक्टिव रोल्स थोड़ी री इन्वेंशन भी होनी चाहिए एक एक्टर के लिए अदरवाइज यू कांट रिपीट द सेम थिंग और अच्छे रोल भी आने चाहिए मलिका जिस तरीके से आपने कहा कि अच्छे रोल भी आने चाहिए फॉर्मेट क्या होता है आपका स्क्रिप्ट चुनने के लिए कोई भी कहानी को मतलब ये किरदार है ये मैं करना चाहूँगी ये मैं किरदार नहीं करना चाहूँगी चुनाव क्या क्या होते हैं आपके कोई भी रोल चुनने से पहले इट शुड चैलेंज यू इंस्पायर यू एज एन एक्टर With glamour, there should be a lot of substance also. That is really You're extremely lucky in one respect. You got to work in the South with an actor like Kamal Haasan. You did Hollywood films. With Maniratnam sir also. Maniratnam sir also. Yes. And now in Hindi. Yes. I'd like you to compare all the three. You're forgetting Chinese, English. Of course, Jackie Chan. Yes. Also, I'd like you to compare, just in very briefly, what do you think are the strengths of each of these industries? Storytelling, of course, because we Indians are very, very emotional, and those emotions are portrayed very beautifully. So that is the real strength. It's not cold and calculated. It's real feelings, real emotions that come through in Hindi, in Chinese, in Tamil, in English, all the languages that I've done. You spoke of women empowerment. 2018, you caged yourself at Cannes Film Festival for 12 hours for an NGO. I'd like you to speak about that experience and how did it change you as a person? This is such a traumatic experience to be caged in for 12 hours. Yeah, I was caged in for 12 hours for Free a Girl, an NGO Free a Girl that India. I worked with for victims of child prostitution. And we wanted to show that this is how those little girls are kept in cages, in rooms which resemble the cages. And they spend their whole life, their whole childhood in that cage. And I was there only for 12 hours. So if 12 hours for me was so traumatic, imagine for those little girls. That's what Last question. Okay, Mallika ji, आपसे जानना चाहूँगा जिस तरीके से हमें मालूम पड़ा है कि 5 लैंग्वेज में ये फिल्म आ रही है आप किस लैंग्वेज में करने वाले हैं और एंड जिस तरीके से तमिल में भी इस फिल्म को बनाया जा रहा है तो आपने कुछ स्पेशल इस पे वो कुछ सीखी देखिए तमिल तो मैंने सीखी नहीं इसको मैं तो हिंदी में ही बोलूँगी बट वो डब करेंगे तमिल में और अदर लैंग्वेजेस में बट आई एम वेरी कम्फर्टेबल इन हिंदी मेरी मातृभाषा हिंदी है मैं हिंदी में ही बोलूँ और कौन कौन सी भाषा आपको आती हैं अगर कम्फर्टेबल फिल्म में की आपने बहुत सारी अंग्रेजी आती है हिंदी तमिल तो नहीं आती चाइनीज बहुत थोड़ी बहुत थोड़ी दो तीन शब्द ही आते हैं बस और आने वाली फिल्में और कौन सी आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे आने वाली मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ गुरमीत सिंह के साथ जो मैंने मिर्ज़ापुर बनाई है वो वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है उसके वन क्वेश्चन यू आर मल्लिका शेरावत बट यू आर ऑल्सो नीरा लांबा करेक्ट रीमा लांबा सो How much of Reema Lamba is still there within you, considering that you've been an actor for so long? Has this persona consumed you completely? See, when you are you still that young, exuberant Haryanvi girl from Hisar district? How can that go out of me? That cannot leave me. That is a part of my DNA. So that is very much there. But of course, as actor, you portray different roles. There is a different persona when you meet with people, which every actor puts on. Okay, guys. Thank you. Thank you.